प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आया, आया, आया। लो मम्मी आ गई। मम्मी आयो भाई साहब, वो वहां रख दीजिए। यहाँ भी रख सकते हैं। थैंक यू। लगता है इनको सुनने का प्रॉब्लम है। थैंक यू भाई साहब। बहू, इतना सब ये क्या है? शॉपिंग बापू जी। दरअसल चीजें इतनी सस्ती मिल रही थी ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा, तो दुकान में कुछ बाकी रखा या सब ले आई? बापू जी, मम्मी मिलने के लाए? हाँ बेटा, तेरे लिए मैं, हाँ ये देख पैंट लाई हूँ। इधर आ, इधर आ, ये देख। ओ, इतना बड़ा पैंट, ये क्या टप्पू इसे गले से पहनेगा? पता है ये पैंट बड़ा है, लेकिन टप्पू भी तो बड़ा होगा ना, और तब महंगाई कितनी बढ़ गई होगी, तब ये पैंट कितना सस्ता लगेगा। है? और ऐसी एक नहीं, चार लाई हूँ। और बापूजी ये देखिया, मैं ये देखिया दाढ़ी करने का मशीन, ये भी टप्पू के लिए? नहीं तो? ये टप्पू के पापा के लिए है। हाँ हाँ। और बापूजी ये देखिया, आपके लिए टोपी। अरे बहू, ऐसी टोपी मैं कहाँ पहनता हूँ? बापूजी हम फॉरेन जाएंगे, तब तो आप टोपी पहनेंगे ना। बहू, मैं धंधू का के आगे कभी गया नहीं, तू फॉरेन की बात कर रही है? बापूजी कभी ना कभी तो हम जाएंगे ना, तब पहनना। और वैसे भी आज के जमाने में भविष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है बेटा। वाह भाई, क्या क्या लाई हो? अरे सब कुछ लाई हूँ, क्या नहीं लाया वो पूछ। अरे देवा माधवी, ये सब क्या है? किसी ने गिफ्ट दिया हमको? हमारी जान पहचान में ऐसा कोई है जो इतना सारा गिफ्ट देगा? आज तक बड़े से बड़ा गिफ्ट टिफिन बॉक्स मिला है। वो सब ठीक है, लेकिन फिर इतना सब कहाँ से आया? ये सब मैंने खरीद किया है। अरे वाह, काय? अरे माधवी, तुम्हें मैंने बोला था ना कि सोच समझ कर शॉपिंग करना, कुछ भी उठाकर मत लेके आना, फिर इतना सब। अरे लेकिन पैसे थोड़े खर्च हुए हैं, तो क्रेडिट कार्ड से खरीदा है सब। आपको बोला तो था। अरे ये अर्धवट, क्रेडिट कार्ड मतलब आज नहीं तो कल, हमें पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। और इतना सब कुछ खरीदी करके लाया कि इसका बिल भरने के लिए हमें कम से कम महीना भर उपवास करना पड़ेगा। हाथ तो बुलाओ चला। पार्टलर सॉरी। वाह मम्मी, ये सब चॉकलेट मेरे लिए? बेबी हम सबके लिए है। उमर, अगर हम सब मिलके खाएंगे फिर तो ये कम पड़ जाएंगे। ओह कम ऑन हंस, और एक बैग भर के चॉकलेट जैम और आइसक्रीम बनाने के पैकेट्स हैं। हाँ, पर वैसे कोमल, ये सारी शॉपिंग तुमने की कितने की? पता नहीं, पर हंस 25,000 से ज्यादा की नहीं है,
क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही सिर्फ 25,000 की है। कमाल है, इतना सारा सामान सिर्फ 25,000 रुपए में, ऐसे कैसे हो सकता है? कम से कम 18 बार गिनती कर चुका हूँ और सब मिला के मुझे तो लगता है ये सामान 40,000 रुपए का होगा। सुन रोशन, सुना रोशन, तू सिर्फ गड्डी चला, पेट्रोल कितने का है ये मत देख बाबा। पर सोनिया, ये तो देखना पड़ेगा ना कि अपनी गड्डी के नो एंट्री में तो नहीं जा रही, और पता चला अपना सुहाना सफर बहुत महंगा सफर हो गया। नहीं रे नहीं रोशन, क्रेडिट कार्ड का सफर टड्डन चीप एंड बेस्ट है। तू सिर्फ सीट बेल्ट बांध और अपना सफर एंजॉय कर। सोनिया, मैं तो तेरे साथ हमेशा ही हर सफर एंजॉय करता हूँ। अरे दया, चाय नाश्ता ला जल्दी। सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या कर रहा है, देख के नहीं चल सकता, इतनी भूख लगी है। सॉरी, आपका हो गया चाय नाश्ता? हाँ। अरे वाह बाबूजी, नया परण पहना आपने। हाँ, ये बहू लेकर आई है मेरे लिए। वाह, भगवान ने बेटी से भी बढ़कर बहू दी है, खूब सेवा करती है मेरी। और बेटा भी तो श्रवण जैसा दिया है बापूजी। नाश्ता कर ले, दुकान के लिए देर हो जाएगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या हंसता क्या है? बापूजी कभी मेरी मुंह पे तारीफ नहीं करते, समझा? पता है। दया, हा। लाना भाई चाय नाश्ता जल्दी। ये लीजिए, ये आपकी चाय और ये नाश्ता। नए कपड़े का भी? ओहो, डिश भी नहीं है। अच्छा, ट्रे भी नहीं है। क्या सब नई नई चीजें? बहुत है। तेरी हंसी लेकिन पुरानी है, वो नई नई मिली? क्या भी? है? क्या? अच्छा। अच्छा, क्या? अरे ये चूड़िया भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ओहो, चूड़िया भी नहीं है। हाँ हाँ, पर क्या बात, क्या है सब नई नई चीजें, क्या? हाँ पापा, मम्मी के पास क्रेडिट कार्ड आ गया ना, तो पूरा घर नई नई चीजों से भर दिया है। अच्छा, क्या क्या खरीदी की तूने? और कपड़े, गहने, बर्तन घिसने का मशीन, चप्पल, चम्मच, चादर, चाकू। बस बस बस, अभी मेन बात बता, कितने की खरीदी की? सिर्फ 25,000। उसे सिर्फ नहीं, पूरे 25,000 बोलते हैं। हाँ वही, 25,000 पूरा। दया बहन गड़ा? हाँ मैं ही हूँ वो बहन भाई। आपके नाम का कुरियर आया। मेरा कुरियर? हाँ। किसका है? सीएल के बैंक से आया है। ये क्रेडिट कार्ड से तूने शॉपिंग किया, उसका कहीं बिल तो नहीं भेज दिया? क्या हुआ? ये सीएल के बैंक से बिल आया है। हाँ तो तूने खरीदी की तो बिल तो आएगा ही ना। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे क्या कैसे हो सकता है दया, बिल 45,000 का है। क्या 45,000? देखा, 45,000 की खरीदी की तूने? वो लोगों को शायद लिखने में गड़बड़ हो गई होगी। अरे क्या गड़बड़ हो गई होगी, ये तूने जो खरीदी किया उसका ही बिल। अरे क्या देख रहा है भाई तू? तू देने वाला है पैसा? दया भाभी, आइए आइए, सही टाइम पे आए हैं, आइए नाश्ता कर लीजिए। ओहो, नाश्ते का छोड़ो दया भाभी, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल आया? अरे मुझे तो 27,000 का बिल आया है। मैं तो डर के मारे सोनू के पापा को दिखाया भी नहीं बिल। आए जोनी, मेरे को तो पूरे 35,000 का बिल आया बाबा। मुझे पूरे 40,000 का। अरे ये तो कुछ नहीं, मुझे तो 45,000 का बिल आया है।
लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि लिमिटेड थाली के भाव में कोई अनलिमिटेड कैसे खा सकता है। लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ कुछ खाया ही नहीं। दया दया, तुम्हारे पास जो कार्ड है ना उसकी लिमिट 25,000 की, तो उससे ज्यादा की खरीदी उस कार्ड पे तुम कैसे कर सकती हो? उन्होंने हम लेडीज लोगों पर विश्वास करके हमें कार्ड दिया है, जरूर उनसे कोई गड़बड़ हो गई होगी। आखिर वो भी इंसान है। लेकिन अब क्या करें? हम सब लेडीज जाके उनको मिलते हैं। भाभी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा चूना लगा के। कुटिया जी, ये क्या है? हाँ। बिल है। कुटकुटिया हंसना बंद करो और ये बताओ कि इतना ज्यादा बिल क्यों भेजा है? हमारी लिमिट तो 25,000 ही थी ना। हाँ, आपकी बात बराबर है, पर क्या है कि हमें लगा कि आप लोग बहुत ही ईमानदार और शरीफ लोग हैं। वो तो हम हैं। इसलिए हमने आपके कार्ड की लिमिट 50,000 कर दी चूना लगा के। 50,000? अरे कमाल है सर मनुष्य। अरे ऐसा थोड़े नहीं चलता है, बच्चे के हाथ में 100 रुपए देकर आप 500 रुपए ऐसा कहेंगे तो वो तो बेचारे 100 रुपए समझ कर ही खर्च करेगा ना। अरे आप लोग बच्चे थोड़े ही हैं। चलिए माना माना कि हम लोगों से गलती हो गई बाबा, लेकिन आपने सर्विस चार्ज 20% क्यों लगाया? लीजिए। अरे भाई, हमने आपको बिना पैन कार्ड देखे, बिना सैलरी स्लिप के, बिना किसी झंझट के क्रेडिट कार्ड दिया है, तो चार्ज तो लगेगा ही ना, है? जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सर्विस चार्ज चूना लगा के। क्या चूना लगा के चूना? आपको ये सब बातें हमें पहले बतानी चाहिए। अरे ये सब तो आपको पहले ही समझना चाहिए ना चूना लगा के। एक मिनट, पहले ये बताइए इस बिल का हम लोग क्या करें? क्या करना शू? लीजिए। अरे करना क्या है, एक हफ्ते में भर दीजिए, नहीं तो 10% ब्याज और लग जाएगा। 10%? 10%? अरे ये तो अंधा ब्याज है। अरे अंधा क्या, मेरा गुंगा काला ब्याज है, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म पढ़कर साइन करना चाहिए था ना, उसमें तो सब कुछ लिखा है चूना लगा के। अरे ओ खुदा, हम लोग ने नहीं पढ़ा बाबा। ये तो आपकी गलती है चूना लगा के। देखिए, हमने आप पर भरोसा किया। वाह, ये भी हमारी ही गलती है। सच में बिना पढ़े कागज पे साइन ही नहीं करना चाहिए, हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन जाते हैं। ये सब तो अब आपकी गलती है ना। निर्लज्ज है। एक बात बताओ, दिल करता है इस चूने के डब्बे को लात मार दो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम इसमें से कोई भी बिल नहीं भरेंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, हम इसमें से कोई भी बिल नहीं भरेंगे। ठीक है ठीक है, हम अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अभी आया लाइन पे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी इसको पता चलेगा हम लोग क्या है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जो आप लोगों ने मुझसे कहा वही बात आप इन दोनों से कह दीजिए। क्या है, पैसा वसूल करने के लिए तो यही आएंगे ना। थोड़े बेवकूफ हैं। ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है।
और जिंदगी भर के लिए सुखी हो गया। दम दम नहीं दे रही, चेता हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। दया भाभी आप क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो धमकी दे रहे कि चेतावनी समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रही हूँ, पूछ रही हूँ। देखिए अगर आप लोग पैसे दे देंगे तो चेतावनी, और नहीं दिए तो धमकी। आपके पति गैरेज चलाते हैं ना, और आपका प्यारा बच्चा चौथी क्लास में है, और आपके पति ट्यूशन लेते हैं, और आपके डॉक्टर हाथी वजन कम कराने के चक्कर में बाहर गए थे और वापस आ गए, और आपके हाँ हाँ गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अभी भी दुकान में है। देखिए आपके घर में कौन कौन है और किस वक्त कहाँ होते हैं ये हमें सब पता है। देखिए हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपके पास नहीं आएंगे। किससे प्यार करते हैं आप? पैसों से। अरे भाई हंसो, सेहत के लिए हंसना अच्छा होता है, हंसो हंसो। बाढ़ में डूबते व्यक्ति को एक लकड़ी नजर आया, जैसे ये सोच के वो पकड़ लेगा, जान बचा लेगा, और वो पता चलेगा लकड़ी नहीं सांप है तो क्या हाल होगा। वही हाल इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं का है। क्रेडिट कार्ड देख के खुशी से फूली नहीं समा रही थी वो, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को देख के उनके माथे पे अब सलवटे हैं बड़ी शॉपिंग की। और शॉपिंग जो हमारे देश की महिलाएं करती हैं वो परिवार की खुशी के लिए करती हैं, लेकिन अब पता चला कि इस क्रेडिट कार्ड से जब वो शॉपिंग कर रही थी तो परिवार के लिए खुशियां नहीं मुसीबत खरीद रही थी। अब देखिए ना क्या हाल हो गया, अब धमकियां मिलने लगी है कि भाई इसका पैसा नहीं चुकाया गया तो गुंडे भेजे जाएंगे। भाई टेंशन बहुत है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक चीज, हंसी ठाके बस हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।